सोशल सिटी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं नरसिंह बाबा मंदिर कैंपस मोतिहारी में, जो कि शहर का ही नहीं पूरे जिले का एक जाना माना मंदिर कैंपस है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हिंदू लोगों हिंदू समाज से जुड़ी हुई बहुत सी आस्थाएं लोगों की यहाँ से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ के जो नरसिंह बाबा जी थे वो बहुत ही प्रभावी एक महात्मा थे, और आज उनके जगह पे उनके नाम पे ये इस मंदिर की स्थापना है, और लगभग कई वर्षों से जो है यहाँ पे लगातार चलते आ रहा है। और इस जगह पे यहाँ के व्यवस्थापक श्री मुरारी पांडे जी से हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपसे हम जानना चाहेंगे, जो आपने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं इस मंदिर के माध्यम से, या हिंदू नवजागरण मंच के आप संस्थापक सदस्य भी हैं, जो आपने काफी सारी योजनाएं शुरू की हैं, उससे हिंदुओं को क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से आप चैनल के तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप सबके प्रति अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग इस हनुमत धाम सेवा ट्रस्ट के माध्यम से एवं हिंदू नवजागरण मंच के माध्यम से हिंदू संस्कारों को पुनर्जागृत करने के साथ साथ हिंदू संस्कारों को संरक्षित करने का अभियान चला रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी जैसे 1 जनवरी को हम लोग ही नववर्ष मनाते हैं, उसी तरह से वर्ष प्रतिपदा को जो है सो जो हमारा वास्तविक हिंदू नववर्ष है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है हमारा नववर्ष, उसको हम लोग अभियान के रूप में लिए हैं। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि पूरा हिंदू समाज वर्ष प्रतिपदा के दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन एक उत्सव के रूप में नववर्ष का आगाज करें, नववर्ष को मनाने का संकल्प ले, नववर्ष के रूप में वर्ष प्रतिपदा को मनावे। इसी कड़ी में हम लोगों ने मठ मंदिर जोड़ो अभियान भी एक चला रखा है। मठ मंदिर ऐसे तो बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, लेकिन मठ मंदिर जोड़ो अभियान हमारा जो है, हम लोगों ने अनुभव किया कि समाज में जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, जैसे कि इस्लाम के लोग हैं, ईसाइयत के लोग हैं, या अन्य अन्य लोग हैं, तो इस्लाम के किसी भी मस्जिद में चले जाने के पश्चात अगर वहाँ के मौलाना से आप पूछिए कि भाई आपके ज़िले में कितने मस्जिद हैं और किस मस्जिद का कौन सा मौलवी है, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो मौलाना निश्चित रूप से फ़ोन नंबर के साथ आपको बता देगा कि इतने मस्जिद हैं और इस मस्जिद का अमुक अमुक व्यक्ति जो है सो हेड है। लेकिन हमारे ज़िले में हिंदू संस्कार इतना निचले तबके पर चला गया है कि ज़िले के किसी भी मंदिर में जाकर के किसी भी मठाधीश से आप बात करिए और पूछिए कि भाई आपके शहर में कितने मंदिर हैं, आपके प्रखंड में कितने मंदिर हैं, मुझे आशा है कि कोई भी मठाधीश सही आंकड़ा आपको नहीं दे पाएगा और किसी भी मठाधीश के बारे में सही जानकारी भी आपको नहीं मिलेगी। तो इस हेतु हिंदू नवजागरण मंच और श्री हनुमत धाम सेवा ट्रस्ट ने श्री नरसिंह बाबा आश्रम की ओर से एक अभियान चलाया है हम लोगों ने, कि सारे मठ मंदिरों को, जितने हिंदू संस्कारों के केंद्र है मठ मंदिर, हिंदू संस्कारों का स्रोत है मठ मंदिर, सारे मठ मंदिरों को हम लोग एक सूत्र में पिरो दें, सबको एक साथ मिला दें, सारे मठाधीशों को एक साथ जोड़ करके हर प्रखंड में एक मॉडल मठ तैयार किया जाए। प्राचीन काल में मठ मंदिर जो होते थे वो शिक्षा का स्रोत होते थे, मठ मंदिर जो होते थे वो संस्कार का स्रोत होते थे, मठ मंदिर जो होते थे वो गरीबों लाचारों और बेबसों के संरक्षण का आधार होते थे। इसीलिए हमारे पुरखा पुरनिया हमारे पूर्वजों ने एक एक मठ को हजार हजार बीघा, दो दो हजार बीघा, पाँच पाँच हजार बीघा जो है सो जमीन मुहैया कराया था, इतनी इतनी संपत्ति दे रखी थी। लेकिन मुझे खेद है कि बावजूद इसके, चूंकि
लगभग 700 वर्षों तक हम लोगों ने जो है सो विदेशी आक्रमणकारियों के तांडव को झेला है और जिसके परिणाम स्वरूप हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ, हमारी संस्कृति पर कुछ जो है सो गंदगी के परत जम गए। आज मठ मंदिर जो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, जो स्वास्थ्य का केंद्र होना चाहिए, जो संस्कार का केंद्र होना चाहिए, गरीब लाचार बेबस और बेसहारा लोगों के संरक्षण का आधार होना चाहिए, वो अपने मूलभूत क्रियाकलापों से जो है सो विचलित हो गया है और अपने मूलभूत जो है सो कार्यों को अंजाम नहीं दे पा रहा है। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने मठ मंदिर जोड़ो अभियान एक व्यवस्था एक अभियान चला रखा है, जिसमें हम लोगों ने इस जिले में हमारे महामंडलेश्वर अरे राज के मठाधीश माननीय रविशंकर गिरी जी हैं, रविशंकर गिरी जी को इस अभियान का हम लोगों ने संरक्षक बनाया है और इस अभियान का संयोजक संत जोगादास उर्फ सुशील दास जी को हम लोगों ने बनाया है और पूरी व्यवस्था को देखने की जिम्मेवारी मेरी है। इस तरह से मठ मंदिर जोड़ो अभियान हर प्रखंड में एक मॉडल मठ होगा, वो मॉडल मठ जो होगा वहाँ से शिक्षा का स्रोत निकलेगा, वहाँ से संस्कार का स्रोत निकलेगा, वहाँ से स्वास्थ्य की सुव्यवस्था निकलेगी, वहाँ से गरीब लाचार बेबस बेसहारा लोगों को संरक्षण का मार्ग दिया जाएगा, गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, गरीब बच्चियों की शादियाँ कराई जाएंगी, जो है सो बहुपालन का जो है सो रोजगार का भी जो है सो स्रोत निकलेगा। इस इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान अभी इस चंपारण जिले में मठ मंदिर जोड़ो अभियान शुरू किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको और आपके चैनल के तमाम सहयोगियों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आभार एवं शुभकामना देता हूँ।